अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो यार एक दो फिर से एक मजा किस्म का वीडियो लेके हम तीनों ही आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो यार आज की वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। अमर भाई आज हम क्या देखने जा रहे हैं? आज का वीडियो जो है बड़ा इन्फॉर्मेटिव भी है और देखते हैं, फर्स्ट टाइम देखूंगा क्योंकि पहले वीडियो देखा नहीं है, लेकिन उसका जो टाइटल है वो है जी व्हाई चाइना फियर्स इंडिया, के चाइना जो है वो इंडिया से क्यों डरता है। तो देखते हैं क्या दिखाने वाले इस वीडियो में। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बाकी डिस्कशन बाद में करेंगे हमेशा की तरह। तो वीडियो पे जाने से पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम में मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो, गो। इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके और फ्रांस के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, क्योंकि इन सब नेशंस के मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स को अगर आप मैप में प्लॉट करोगे तो आपको एक वियर्ड सा पैटर्न दिखाई देगा। अकेले 2021 में ही बे ऑफ बंगाल रीजन में इंडिया ने जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया इन क्वाड एलाइज के साथ दो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की, जिसमें से एक में तो फ्रांस भी शामिल था। एंड देन इसके बाद ये है सेकंड मैप। इसमें आप साफ ये देख सकते हो कि यूएसए ने अकेले भी अपनी सीमा के बाहर कई जगहों पर मिलिट्री डिप्लॉय कर रखी है, जिसमें से उनकी सबसे बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट यहाँ पर इस रीजन में है, इन जापान एंड साउथ कोरिया। जापान में उनके 120 बेसेस है विद 53,713 ट्रूप्स इन इट, और साउथ कोरिया में उनके 73 बेसेस है विद 26,414 ट्रूप्स इन इट। इसके बाद अब आते हैं थर्ड मैप पर, जो है ये मैप बेसिकली ना न्यूक्लियर सबमरीन्स के डिप्लॉयमेंट को बताता है, जो ऑस्ट्रेलिया अपने यूके और यूएस इन AUKUS एलाइज के साथ मिलकर इस दशक के अंत तक करने वाला है। सो नाउ इन तीनों मैप्स का सिग्निफिकेंस आखिर क्या है? वेल, मे बी आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों मैप्स रैंडम है और हम यूं ही में कोई पैटर्न क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बिलीव मी ये रैंडम इवेंट्स बिल्कुल भी नहीं है। इफ यू क्लोजली लुक, ये सभी एक्टिविटीज जहां जहां पर भी हो रहे हैं या होने वाले हैं, अगर उन्हें एक ऐसे ट्रायंगल के रूप में हम प्लॉट करें तो उस ट्रायंगल के लगभग बीच में तीन देश पड़ते हैं, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया। और अगर इसको भी और नैरो डाउन करें तो टू बी मोर प्रिसाइज, ये नैरो समुद्री रास्ता पड़ता है कॉल्ड द मलाक्का स्ट्रेट, जो कि इन तीनों देशों के बीच से गुजरता है और जहां से अकेले पूरी दुनिया का 60% ट्रेड होता है। सो टेक्निकली अगर देखा जाए फ्रेंड्स, कोई भी देश हो, यहां पर हमारा देश इंडिया भी अपने सभी मेजर एलाइज के साथ मिलकर इस मलाक्का स्ट्रेट को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। एंड द रीजन इज चाइना। China is hell-bent on single-handedly dominating the Malacca Strait, क्योंकि this would mean China single-handedly world trade को dominate कर पाएगा, और इसके लिए China के पास एक master strategy है। देखो, हर sea-facing country की समुद्री सीमाएं 1982 United Nations Convention on the Law of Sea के तहत ocean में करीब 200 nautical miles या simply 370.4 kilometers तक ही मानी जाती है। This basically means उस particular country का इस 200 nautical miles के radius पर एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है। कौन उसमें फिशिंग करेगा, कौन उसमें ऑयल माइनिंग करेगा, कोई लीगली अगर अंदर आया तो उससे कितना कमीशन लेना है, और कोई इलीगली अंदर आया तो उस पर क्या एक्शन लेना है, ये सब बेसिकली वो कंट्री ही कंट्रोल करती है। और इसीलिए इस रीजन को उस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ कहते हैं। अब ऐसे में आपको शायद पता नहीं होगा, पर चाइना वो इकलौता ऐसा देश है जिसके बॉर्डर्स 14 देशों से लगते हैं, मगर जिसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स 18 देशों के साथ चल रहे हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, उन देशों के साथ भी जो एक देश छोड़ के पड़ते हैं। ये देखो, ये है वो लिस्ट ऑफ कंट्रीज जिनके चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, उनके नाम के बगल में फिर ये डिस्प्यूट्स कब से चल रहे हैं और साथ ही उनके रीजंस क्या थे, ये सब प्रॉपरली एक टैबुलर फॉर्म में दिया गया। अब इस लिस्ट में क्या आपको वो दो देशों के नाम दिखाई दिए जिसका हाल ही में हमने कुछ समय पहले ही जिक्र किया था? यस, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ये वही देश है जो अलोंग विद मलेशिया मलाक्का स्ट्रेट को बॉर्डर करते हैं। यानी कि अगर चाइना समहाउ सिंगापुर और इंडोनेशिया पर कब्जा कर लेता है तो यूएन के लॉ ऑफ द सी के तहत मलाक्का स्ट्रेट उसके ईजी में आ जाएगा। सो अब आपको एटलीस्ट एक मेजर रीजन पता चल गया कि क्यों इस रीजन में इतना हैवी मिलिटराइजेशन जरूरी है। एक्सेप्ट एक चीज अभी भी सेंस नहीं बना रही। इंडिया, जिसका बाय द वे ज्यादातर ट्रेड जब उसके वेस्ट में पड़ने वाले देशों के साथ होता है, वो मलाक्का स्ट्रेट पर तो काइंड ऑफ डिपेंडेंट ही नहीं है, तो वो आखिर दो ऐसे देशों के लिए चाइना से क्यों उलझ रहा है जिनके बॉर्डर तक इंडिया से नहीं लगते? सो टू आंसर दैट, बस इतना समझ लो कि इनके बीच से गुजरने वाला मलाक्का स्ट्रेट बाकी दो देशों से ज्यादा चाइना की एक मेजर जुगुलर वेन है। इसका मतलब बेसिकली चाइना की वो दुखती नस जो इंडिया के हाथ में हो सकती है। Now, this is because China दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है,
जो सालाना इंडिया से ऑलमोस्ट 10 टाइम ज्यादा चीजें मैन्युफैक्चर करता है और उसका ट्रेड करता है। आज जहां पर इंडिया को हर दिन सिर्फ 4.9 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती है, चाइना एक दिन में इंडिया से तीन गुना ज्यादा यानी करीब 15.4 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल रोज कंज्यूम करता है। ऐसे में क्योंकि चाइना का 80% ऑयल मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज से आता है, ये सारा ऑयल एग्जैक्टली इसी नैरो मलाका स्ट्रेट से होते हुए आता है एंड सो दिस बिकम्स अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू कंट्रोल चाइना। जैसे चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए हमारे चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चोक करने की कोशिश करता है, उसी तरह अब हम भी चाइना की जुगुलर वेन द मलाका स्ट्रेट को चोक कर सकते हैं। और ये दूसरा रीजन है कि क्यों इस रीजन में इफ नॉट ऑल एटलीस्ट इंडिया की डोमिनेंस जरूरी है। इनफैक्ट इंडिया ने ऑलरेडी इस पर काम भी शुरू कर दिया, वो भी सोलो। देखो ये है इंडियन नेवी के वॉरशिप्स की डिप्लॉयमेंट इन द इंडियन ओशन। ये नेवल डिप्लॉयमेंट पैटर्न इंडिया ने मिड 2017 से अडॉप्ट किया हुआ है टू एक्सप्लिसिटली काउंटर चाइना। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चार रीजंस हैं जो प्रूफ करते हैं कि इंडिया ने ये डिसीजन मेजरली चाइना के लिए ही लिया है। नंबर वन, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के अनुसार ये एक मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट है जिसके अंतर्गत इंडिया के 15 नेवल वॉरशिप्स इंडियन ओशन के 7 अलग अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को गार्ड करते हैं, वो भी 24/7। नंबर टू, ये पोजीशंस इंडिया की समुद्री सीमा यानी उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर पड़ते हैं जो वॉरशिप्स जनरली अवॉइड करते हैं ताकि कोई दूसरी कंट्री उन्हें अपने ट्रेड वेसल्स के अगेंस्ट थ्रेट ना समझे। नंबर थ्री, ये 7 एरियाज में से 4 अकेले बे ऑफ बंगाल के पास पड़ते हैं गार्डिंग द मलाका स्ट्रेट, जहां इंडिया अपने एलाइज के साथ मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइजेस करती रहती है। एंड लास्टली, इन सभी नेवल डिप्लॉयमेंट्स के अलावा भारत ने समुद्र के ऊपर से निगरानी रखने के लिए लॉन्ग रेंज मैरिटाइम रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट्स और उसमें भी मोर स्पेसिफिकली बोइंग द्वारा बनाए गए पोसाइडॉन 8i प्लेन्स डिप्लॉय कर रखे हैं जो ऑलमोस्ट हर रोज तमिलनाडु के अराकोनम में स्थित इंडियन नेवल एयर स्टेशन INS रजाली से उड़ते हैं और साउथ चाइना सी तक पेट्रोलिंग करके आते हैं। ऊपर से भारत ने साल 1991 से चली आ रही अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी, जो बाय द वे इन एशियन कंट्रीज के साथ मोस्टली ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी, उसे भी अब मॉडिफाई कर दिया है। साल 2014 से अब इसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी बुलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत भारत और एशियन कंट्रीज अब सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं बल्कि सिक्योरिटी एंगल से भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंस्टॉलेशन ऑफ कोस्टल सर्वेलेंस रेडार सिस्टम्स अक्रॉस द एंटायर इंडियन ओशन। दरअसल कारगिल वॉर के बाद जब उस वॉर के रेपरकशंस को असेस करने के लिए एक कारगिल रिव्यू कमेटी बिठाई गई थी, तो उनकी रिपोर्ट में उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री को रेकमेंड किया था कि वो इंडियन ओशन में अपना सर्वेलेंस बढ़ाए और समुद्र के अंदर और बाहर हर जगह अपनी नजरें रखे क्योंकि हर बार खतरा नॉर्थ से नहीं आएगा। बट देन इसे तब की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सीरियसली नहीं लिया और ये मुद्दा इवेंचुअली एक कोल्ड बॉक्स में चला गया अंटिल 26 नवंबर 2008 को करीब 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट समुद्री रास्ते से मुंबई में दाखिल हुए और करीब 150 से भी ज्यादा लोगों की जाने ले ली। इस अटैक के बाद तब की इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी गलती समझी और KRC के रिकमेंडेशन को प्रायोरिटी देते हुए इंडिया के समुद्री सीमाओं पर करीब 46 जगह कोस्टल सर्वेलेंस रेडार CSR सिस्टम्स लगाए। इनमें से टोटल 36 इंडिया के मेनलैंड कोस्टल पार्ट पर लगाए गए और फिर 6 लगाए गए लक्षद्वीप पर और 4 लगाए गए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर। इन CSR से हमें 2 फायदे मिले। नंबर 1, हम अपनी समुद्री सीमाओं की ऑलमोस्ट 24/7 ट्रैकिंग कर सकते हैं और नंबर 2, इनकी एडवांस कैपेबिलिटीज के कारण हम 1500 से ज्यादा ओशन सरफेस पर पड़े ऑब्जेक्ट्स को भी एक साथ ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि इलीगल फिशिंग वेसल्स हो या दुश्मन के सबमरीन्स, अब हम बेसिकली सब पर नजर रख सकते हैं। Except there is just a problem. ये 46 CSR systems सिर्फ हमारे maritime boundaries यानी कि समुद्री सीमाओं के अंदर घुसने वालों को ही track कर सकते हैं, पूरे Indian Ocean को नहीं। और ये हमें China के ऊपर कोई upper hand नहीं दे सकते in case अगर China हम पर attack करता है तो। जबकि India Today के अनुसार China ने अपने fishing vessels जिन्हें alternatively वो surveillance के लिए भी use करते हैं, उनकी संख्या Indian Ocean में हर साल बढ़ा ही है। जहाँ पर 2016 में per year सिर्फ 300 fishing vessels Indian Ocean में detect थे, अब वो बढ़कर 450 वेसल्स तक पहुंच चुके हैं। और बस इसी इशू को सॉल्व करने के लिए साल 2015 से ही हमारे पिछले डिफेंस मिनिस्टर श्री मनोहर पारिकर जी ने अपने कोस्टल सर्वेलेंस रेडार सिस्टम का फेज 2 लॉन्च किया। इस बार उन्होंने अपने सर्वेलेंस का दायरा बढ़ाया
और फोकस किया मेनली स्ट्रेट ऑफ मलाका पर। उन्होंने बेसिकली मॉरिशियस, श्रीलंका, सेचिलीज, मालदीव्स, मैडागास्कर, म्यांमार और बांग्लादेश, इन सभी देशों में अपने कोस्टल सर्विलेंस रेडार सिस्टम्स इंस्टॉल किए और उनसे ऑलमोस्ट पूरे इंडियन ओशन पर अपना कवरेज हासिल किया, जहां से बाय द वे अकॉर्डिंग टू इंडिया न्यूज एनुअली 66% ऑफ ग्लोबल ऑयल, 33% ऑफ बल्क कार्गो और 50% ऑफ कंटेनर शिपमेंट्स ट्रांजिट करते हैं, और वो भी 1,00,000 से भी ज्यादा शिप्स पर सवार होकर। फॉर कॉन्टेक्स्ट, ये दुनिया का 75% ग्लोबल मैरिटाइम ट्रेड है और अराउंड 50% ग्लोबल ऑयल ट्रेड को सिग्निफाई करता है, और वो भी डेली। नाउ एज यू कैन इमेजिन, इतने शिप्स पर डेली नजर रखना, वो भी अकेले, ये पॉसिबल नहीं है इवन विद हाई टेक सर्विलेंस सिस्टम्स। और इसीलिए ही इंडिया बाकी देशों के साथ भी मिलिट्री अलायंसेस कर रहा है, जिसे मैंने पहले भी आपको बताया था। बेसिकली आप ही ऑलरेडी जानते हो कि चाइना कई सालों से अपने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीमेक और इंडियन ओशन में मौजूद अपने कई सारे ओवरसीज पोर्ट्स की मदद से इंडिया के अराउंड अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पर काम कर रहा है। बट दिस टाइम इंडिया ने भी चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए कुछ प्लान्स इनएक्ट किए। नंबर वन, इंडिया ने इंडियन ओशन के 4 क्रूशियल आइलैंड देश मॉरिशियस, मालदीव्स, सेचिलीज और श्रीलंका के साथ स्ट्रेटेजिक डील साइन किए। इन डील्स के अंतर्गत इन चारों कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि वो इंडियन ओशन में सभी मूवमेंट्स को ट्रैक करेंगे और उसके लिए नए रेडार और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बनाएंगे और साथ ही उनसे मिली इन्फॉर्मेशन को आपस में शेयर करेंगे। इसके साथ P-8 सर्विलेंस एयरक्राफ्ट के जरिए वो पूरे इंडियन ओशन पर ऊपर से नजर भी रखेंगे। नंबर 2, इन स्ट्रेटेजिक डील्स के बाद अभी हाल ही में इंडिया को एक बड़ी सक्सेस मिली इंडोनेशिया के साथ, जब मई 2018 में इंडोनेशिया ने मलाका स्ट्रेट के पास मौजूद अपने सबांग पोर्ट का इकोनॉमिक और मिलिट्री एक्सेस इंडिया को दे दिया है। नंबर 3, सीमेक के काउंटर में इंडिया ने म्यांमार से बात करके उसके साथ कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट फाइनलाइज किया है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक तरफ कोलकाता म्यांमार के सितवे पोर्ट से डायरेक्टली कनेक्ट होने वाला है बाय सीवेज, जो बाय द वे मई 2023 से ऑपरेशनल भी हो चुका है, और दूसरी तरफ सितवे पोर्ट को ऊपर मिजोरम से बाय रोड भी कनेक्ट किया जा रहा है एज एन अल्टरनेट रोड रूट। नंबर 4, इंडिया ने इंडो पैसिफिक रीजन में US की इंपॉर्टेंस को भी रिकॉग्नाइज करते हुए 2015 में उसके साथ एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन पैक्ट साइन किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि चाइनीज डोमिनेंस सिर्फ एक ही चीज से कम हो सकती है, और वो है साउथ ईस्ट एशियन देशों का डेवलपमेंट, बिकॉज कम डेवलपमेंट की वजह से ही वो चाइना के डेट ट्रैप में फंसते हैं। सो इंडिया और US मिलकर इन देशों की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं। एंड लास्टली नंबर 5, क्वाड। अब इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर US के साथ इंडिविजुअल डील्स तो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ मल्टी कंट्रीज एसोसिएशन भी कर रहा है, जैसे कि क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी कि क्वाड। अब जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, यहां पर इंडिया 3 देश US, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसमें इंडो पैसिफिक रीजन के मैरीटाइम सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इन्होंने करीब $50 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान किया है, ताकि चाइना की नेवल और फिशिंग एक्टिविटीज और ज्यादा एक्यूरेटली ट्रैक किया जा सके। पर यू सी, चाइना इस रीजन में इतना एग्रेशन क्यों दिखा पाता है? प्रॉबेबली बिकॉज उसे कहीं ना कहीं ये पता है कि इस रीजन में बाकी फॉरेन फोर्सेस लाइक US, UK और ऑस्ट्रेलिया एंड इवन फ्रांस एंड जापान, ये सभी मलाका स्ट्रेट से काफी दूर बसते हैं, और एक जो इंडिया है उसने अगर कोई भी मिस एडवेंचर किया तो उसे 2-फ्रंट वॉर जैसा एक वॉर लड़ना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान भी चाइना के साथ है। बट यू नो व्हाट, इंडिया ने अब इसके ऊपर भी एक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर कपिल पाटिल ने ये हिंट किया है कि बहुत ही जल्द इंडियन गवर्नमेंट चाइना और पाकिस्तान को जोड़ने वाला POK रीजन को पाकिस्तान से रीकैप्चर करने वाली है। नाउ हाउ इज दैट पॉसिबल, उसके क्या क्या रास्ते हैं, और अगर किया तो उसके क्या क्या रेपरकशंस होंगे, ये सब हमने अपने इस वीडियो में कवर किया है, जिसे आई सजेस्ट यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। आपको डिटेल में पता चलेगा कि गवर्नमेंट का क्या दावा है कि हम 2024 तक POK को इंडिया का हिस्सा बना लेंगे। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गौरव जी ठाकुर इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर लो, हमारी इंस्टाग्राम। ओके यार, काफी गहरी इन्फॉर्मेशन उमर भाई इन्होंने दी है हमें। बिल्कुल, के मतलब कि उन्होंने बता यही दिया कि चाइना जो है वो इंडिया से डरता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक तरफ न्यूज़ को नहीं देखना चाहिए, दोनों तरफ देखना चाहिए कि आखिर वो क्या सोचता है, वो क्या कहता है। जिस तरह इन्होंने बात बताई कि CPEC मंसूबा जो चल रहा है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा मंसूबा जिसके तहत चाइना और पाकिस्तान जो है बहुत सी चीज़ों में आगे निकल सकते हैं, इसी तरह इंडिया के बारे में उन्होंने बताया कि इंडिया भी जो है इस तरह की जो चीज़ों पे नज़र रख के बहुत सी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है,
तो ये एक उनके लिए एक अच्छा साइन है, और वो बता रहे हैं कि चाइना के लिए बैड लक है। तो अब देखें क्या होता है अमर भाई, जिस तरह उन्होंने बताया कि ऑयल के मामले में वो कितना आगे हमसे। और दूसरा ये कि वो जो ट्रेड के लिए वो जो एक रास्ता यूज़ होता है जो चाइना करता है, मलाक्का स्ट्रेट, जी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है चाइना वो के लिए। और मेन लेकिन चीज है, वो हाँ रास्ता जो अब इंडिया के आगे इंडिया से के गुजरता है, आगे तो इंडिया उससे जो है फ़ायदा ले उठा सकता है, ले सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, अपनी स्ट्रेटेजी बंद कर बना सकता सकता है, है बंद कर वो, कुछ भी कर सकता है। तो जिसकी वजह से जो टैक्स चाइना लगा है, सकता है, चाइना है, उसको इंडिया की माननी पड़ेगी। माननी मेन चीज़ पड़ेगी ये मतलब बताई गई है इस वीडियो में। जी। तो आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा आप क्या राय रखते हैं, और आपके बिल्कुल बारे में जो वीडियो है आप इस वीडियो को किस हद तक देखते हैं, तो कमेंट सेक्शन पे आपने लाजमी बताना है। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक ठीक केयर, है अल्लाह भाई। हाफिज़।